भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र बोर्ड के परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। वहीं महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी करने की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट 2024 कल यानी 21 मई दोपहर 1 बजे ऑनलाइन माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। नतीजे जारी होते ही एग्जाम में भाग लेने वाले 14 लाख से अधिक स्टूडेंट्स अपना परिणाम जांच सकेंगे। इस वर्ष 12वीं बोर्ड एग्जाम का आयोजन 2 फरवरी से 19 मार्च 2024 तक किया गया था। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए शासन द्वारा कड़े कानून बनाए गए हैं, फिर भी बाल विवाह होने के मामले सामने आते हैं। इसी तरह पौनी तहसील में विवाह के लिए आवश्यक आयु पूरी नहीं होते हुए भी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए अपनी सही आयु छिपाकर विवाह करने का मामला सामने आया है। यह विवाह गत वर्ष 15 अक्टूबर 2023 को पौनी तहसील के ग्राम कोरम्बी स्थित सार्वजनिक डोंगर महादेव मंदिर में हुआ था। विवाह के समय दूल्हे की आयु 19 वर्ष 11 महीने 13 दिन होने का आरोप गाते हुए शिकायतकर्ता गोंदिया निवासी योगिता पद्मशाली उम्र 48 वर्ष द्वारा दर्ज शिकायत पर पौनी पुलिस थाने में आरोपी पौनी के ताड़केश्वरवाड़ निवासी देवानंद राजू भूरे उम्र 20 वर्ष के खिलाफ विवाह प्रतिबंध कानून 2006 अनुसार धारा 465 उपधारा 9-10 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जाँच थानेदार नीलेश ब्राह्मणे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक निखिल रहाटे कर रहे हैं। 10 रुपए नहीं देने पर व्यक्ति को चाकू मारने की घटना गांधी चौक भंडारा में घटी। फिरियादी भगत सिंह वार टाकली भंडारा निवासी सचिन ज्ञानेश्वर रंगारी उम्र 45 वर्ष को गांधी चौक भंडारा में रोककर लाला लजपत राय वार्ड भंडारा निवासी काल्या उर्फ संदीप शिवराम तरारे उम्र 33 वर्ष ने 10 रुपए की मांग की। तब सचिन ने उसे 10 रुपए देने से इनकार कर दिया। आरोपी काल्या ने गुस्से में आकर सचिन की गर्दन और गाल पर धारदार हथियार से वार कर दिया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। 31 मई तक यह केरल पहुंच जाएगा। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था। इस साल मानसून सामान्य तारीख से पहले ही केरल में दस्तक दे चुका है। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। IMD के अनुसार मानसून के महाराष्ट्र में 9 से 16 जून, मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार है। वहीं यूपी में 18 से 25 जून और बिहार झारखंड में 18 जून तक पहुंच जाएगा। 5वें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट डालने के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मिता ठाकरे ने वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर वोटिंग शाही का निशान दिखाया। उन्होंने मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। केंद्र व राज्य सरकार ने जिला पणन कार्यालय को धान खरीदी शुरू करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश को 5 दिनों का समय हो चुका है, लेकिन अब तक सरकारी समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं हुए, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। इधर सिहोरा पपेरा क्षेत्र में गत 15 दिनों से ग्रीष्मकालीन धान की चुराई का कार्य शुरू हो चुका है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी धान खरीदी केंद्र शुरू होने में समय लग रहा है। प्रतिवर्ष 1 मई तक धान खरीदी केंद्र शुरू करना आवश्यक है, पर इस बार 20 मई
होकर भी जिले के अनेक स्थानों पर धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं हो सके हैं। शासन किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसके चलते किसान मजबूरन कम कीमत में व्यापारियों को धान बेच रहे हैं। धान खरीदी के लिए पंजीयन की अवधि 1 मई है। धान खरीदी केंद्र कब शुरू होंगे, यह सवाल सामने आ रहा है। धान खरीदी केंद्र शुरू करने के लिए जन प्रतिनिधि ने ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अब तक सरकारी समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र पर धान खरीदी शुरू नहीं हुई है, जिससे किसानों के सामने दिक्कतें निर्माण हो चुकी है। सरकार ने किसानों के उपज का भाव तय किया है, लेकिन अब तक किसानों को धान खरीदी करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। देश के कुल 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जहां मतदान प्रतिशत शानदार देखने को मिल रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में अन्य राज्य के मुकाबले न्यूनतम मतदान हुए। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक लद्दाख में 61.26% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया, तो वहीं दूसरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 44.90% मतदाता वोट देने के लिए निकले। पांचवें चरण के मतदान में 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल का मतदान प्रतिशत 62.72% रहा। इसके बाद झारखंड में 53.90% मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश में 47.55%, ओडिशा में 47.55%, बिहार में 45.33% और महाराष्ट्र में सबसे कम 38.77% मतदान हुआ। राष्ट्रवादी नेते छगन भुजबळ यांनी शरद पवारांसोबत गेलो नसतो तर मी मुख्यमंत्री झालो असतो असे वक्तव्य केले होते। यावर नाना पटोले म्हणाले की राजकारणामध्ये जरतरला अर्थ नसतो, देशामध्ये जनतेचे, महागाईचे आणि बेरोजगारीचे प्रश्न आहेत, ते प्रश्न मांडायला पाहिजे आणि काँग्रेस ते प्रश्न रोखठोकपणे मांडत आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले। भुजबळने गौप्यस्फोट केला की जर मी शरद पवारांसोबत त्यांच्यासोबत गेलो नसतो तर मी काँग्रेसचा मुख्यमंत्री झालो असतो। जर तरला राजकारणात कुठलाही विश्वास नसतो आणि त्याला काही त्याचा अर्थही नसतो, त्याच्यावरची चर्चा करण्याचं काही कारण नाही। शरद पवार म्हणाले की त्यावेळेस एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यास मी तयार होतो, असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला। मी तेच सांगितलं की जर तरला अर्थ नसतो, त्याच्यामुळे आता या सगळ्या विषयापेक्षा महाराष्ट्रामध्ये काही भागामध्ये पिण्याचं पाणी नाही, शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या चाललेल्या आहेत, बेरोजगारांचे प्रश्न आहेत, गरिबांना तांदूळ जे मिळतं त्याच्यामध्ये प्लॅस्टिकचा तांदूळ मिळवला जातो, त्यांच्या त्यांना ते झर दिलं जातं आहे असं पद्धतीचं चित्र आहे। गरीब माणूससुद्धा आज त्याच्या हाताला काम नाही असं चित्र आहे। आणि महाराष्ट्रासारख्या शाहूफुले आंबेडकर विचाराच्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या स्थितीमध्ये सगळ्या स्तरामध्ये लोक अडचणीत आले असतील तर त्याच्यावरची चर्चा व्हावी। हे राजकीय चर्चा मला असं वाटतं की आता बंद झाल्या पाहिजे, निवडणुका संपल्यात, प्रक्रिया संपली आणि आता जनतेचे प्रश्न हे आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी महत्त्वाचे आणि काँग्रेस जनतेच्या प्रश्नावर ॲग्रेसिव्ह सरकारच्या समोर हे सगळे भूमिका मांडणार आहे आणि सरकारला ते पूर्ण करावी लागणार आहे। राष्ट्रवादी नेते शरद पवार यांनी 2004 प्रफुल्ल पटेल हे भाजपच्या वाटेवर आहेत, त्यावेळी छगन भुजबळ यांना मुख्यमंत्री करायचा होता असे वक्तव्य केले होते। यावर नाना पटोले यांना विचारले असता कोणी मुख्यमंत्री झाला, कोणी मंत्री झाला, कोणी किती उजेड पाडला हे महत्वाचे नाही, तर काँग्रेससाठी जनतेचे मत मुद्दे महत्वाचे आहेत असे म्हणत या विषयावर अधिक बोलणे टाळले। मी तुम्हाला सांगितलं की मला त्याच्यावर चर्चाच करायची नाही। आमचं काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे की जनतेचे प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे। कोण राज्याचा मुख्यमंत्री बनला, कोण मंत्री बनला, त्यांनी काय उजेड पाडलं, याच्यावरची चर्चा आज नाही। आज मी तुम्हाला सांगितलं की या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये 267 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, त्याच्यावरची चर्चा नाही। गरिबाच्या घरी खायला अन्न नाही तर त्याच्यावरची चर्चा नाही। महाराष्ट्रातले दवाखाने सगळे ओसाड पडलेले आहेत, माणसं सरळ जातात आणि आडवे होऊन निघतात, त्या आरोग्य व्यवस्थेवरची चर्चा नाही। गरिबाच्या हाताला काम नाही, त्याच्यावरची चर्चा नाही। आणि म्हणून या फालतूच्या चर्चेपेक्षा, राजकीय चर्चेपेक्षा आम्हाला काँग्रेस पक्षाला जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे आणि काँग्रेस पक्ष त्याच्यावरच चर्चा करेल। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांना 4 जून नंतर काही पक्षप्रवेश होतील का असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी एक सूचक इशारा दिला असून भरपूर लोक काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत, योग्य वेळेवर सगळ्या गोष्टी बाहेर येतील असे म्हणत नाना पटोले यांनी सूचक इशारा दिला। गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग होण्याची 2004 तारखेनंतर गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसमध्ये
त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात इन्कम होईल का? भरपूर लोक वाटेवर आहेत, योग्य वेळेनं तुम्हाला सगळ्या गोष्टी पुढे येतील. गोंदियाच्या बिरसी येथे विमानतळ बांधण्यात आला आहे. विमानतळावरून हे विमान प्रफुल्ल पटेल यांनी सामान्य जनतेसाठी नव्हे तर स्वतःसाठी बांधले अशी चर्चा सुरू असताना यावर नाना पटोले यांना विचारले असताना नाना पटोले या गोष्टीला दुजोरा देत ज्याला शेतकऱ्यांची आणि गरिबाची जान नाही अशी लोक या जिल्ह्यामध्ये नेते म्हणून राहिले आणि यामुळेच गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्याच्या जनतेवर अन्याय झाला आहे. 4 जून नंतर आमचं सरकार आलं तर मी जातीने बिरसी विमानतळाच्या विषयाकडे लक्ष देणार आहो असे नाना पटोले म्हणाले. गोंदियातील बिरसी विमानतळ हा तयार झाला आहे, मात्र प्रकल्पग्रस्त 106 कुटुंब आहेत अद्याप वंचित आहेत, त्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध नाही झाल्या. मात्र प्रफुल्ल पटेलने आपल्यासाठी विमानतळ तयार केले असं लोकांचा तिथे आरोप करत आहेत. बरोबर आहे, अखेरी ज्यांना गरिबाची जाण नाही शेतकऱ्यांची जाण नाही असे लोक या गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात नेते राहिलेत आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना आणि गरिबांवर अन्याय झालेला आहे. पण आमचं सरकार आता 4 जूनच्या नंतर आल्यानंतर मी त्याच्यात व्यक्तिगत लक्ष घालेन आणि त्या प्रकल्पग्रस्ताला न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका आमची आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. सफाई के दौरान कूलर से बिजली का करंट लगने से महिला की मौत की घटना हुई. उक्त घटना सावरगांव में घटित हुई. इस घटना में स्थानीय सावरगांव निवासी तुलसन डाकराम डोनाडकर उम्र 65 वर्ष नामक महिला की मृत्यु हुई है. शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. कार्रवाई हुए चालकों के नाम आसगांव निवासी लोकेश अशोक ब्राह्मणकर, बोंडे निवासी शैलेश सर्वानंद गजबे है. सरकार के महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अकुशल कार्यों के तहत खेतों में मिट्टी काम कर रहे एक मजदूर को चक्कर आकर जमीन पर गिरने से अकस्मात मृत्यु की घटना हुई. इस घटना में सोनेगांव निवासी रामचंद्र सखाराम ब्राह्मणकर उम्र 56 वर्ष नामक मजदूर की मृत्यु हुई. पेट के परेशानी से तंग आकर एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मृतक का नाम मानेगांव निवासी अशोक ताराचंद बोंद्रे उम्र 49 वर्ष है. कारधा पुलिस ने मामला दर्ज किया. हादसे में घायल होने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक का नाम जीवनापुर तहसील कुही निवासी बंधु श्रीराम कडुकार उम्र 46 वर्ष है. अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया. पैर दर्द से तंग आकर बुजुर्ग व्यक्ति ने झील में कूदकर आत्महत्या कर ली. इसी बीच वृद्ध का शव तालाब में तैरता हुआ मिला. मृतक का नाम गोवर्धन नगर तुमसर निवासी लहुजी हरिराम शेंडे उम्र 65 वर्ष है. तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया. एक बस पर चढ़ी महिला के पर्स पर हाथ साफ कर अज्ञात चोरों ने उसके सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपए लेकर फरार हो गए. इस मामले पर महिला ने रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है. BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर.